नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोकामा और गोपालगंज में आज वोटिंग। राजगीर में प्रकाश पर्व की शुरुआत। बिहार के 2.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को मिलेगा इतने महीने का वेतन। 14,000 उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मोकामा और गोपालगंज में आज वोटिंग। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज यानी 3 नवंबर को मतदान का दिन था। ऐसे में मतदान के दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं मतदान केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें महिलाओं के अंदर पूरा उत्साह देखने को मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि आंकड़ों के अनुसार मोकामा में पुरुष वोटरों का दबदबा ज्यादा है, तो वहीं गोपालगंज में महिलाओं का। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चालू की गई थी जो कि 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान दोपहर के वक्त जो मतदान का प्रतिशत होगा उससे यह तय हो जाएगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी। बता दें कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच है। वहीं गोपालगंज में बीजेपी के दिवंगत मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और मोहन प्रसाद गुप्ता से है, जबकि लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी यहाँ चुनाव मैदान में है। राजगीर में प्रकाश पर्व की शुरुआत। आज से यानी कि 3 नवंबर से गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राजगीर के गुरु नानक कुंड में 3 से 5 नवंबर तक प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। बीते दिन इन तैयारियों का जायजा लेने प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि एवं पुलिस महानिदेशक राकेश राठी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिया। इस अवसर पर श्रद्धालु के लिए उनके आवासन स्थल से गुरुद्वारा एवं अन्य जगहों पर जाने के लिए 132 ई रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुल 12 स्थानों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है और 14 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रद्धालु के लिए सभी आवासन स्थल पर हेल्प डेस्क 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। बिहार के 2.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को मिलेगा इतने महीने का वेतन। शिक्षा विभाग के द्वारा देश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 2.5 लाख से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 11.90 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इन सभी राशि को जिलों के खातों में डाल दिया गया है ताकि वहां से यह राशि आज यानी गुरुवार तक सभी शिक्षकों तक पहुंच जाए। शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इस राशि से शिक्षकों के सितंबर माह के वेतन का भुगतान किया जाए और इसके बाद इसकी सूचना बिहार शिक्षा परियोजना को भेजा जाए। बता दें कि वेतन भुगतान के लिए राशि पूर्वी चंपारण को छोड़कर सभी जिलों के लिए जारी किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वेतन की मांग प्राइमरी के शिक्षकों के द्वारा दीपावली से पहले से ही किया जा रहा था। नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी कड़ाके की ठंड। बिहार की राजधानी पटना समेत देश भर में नवंबर के दूसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में पछुआ का प्रवाह बना हुआ है, लेकिन इसकी गति कम होने के कारण प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे में ठंड का एहसास केवल सुबह और शाम में लोगों को महसूस होगा और दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकेगा, लेकिन 5 दिनों के बाद पारे में गिरावट को देखा जा सकता है। बताते चले कि प्रदेश का औसत तापमान 30 से 32 व न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मोकामा में मतदान कर्मी की मौत। बिहार के विधानसभा उपचुनाव के लिए मोकामा में आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही एक मतदान कर्मी 55 वर्षीय संजय कुमार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोकामा विधानसभा के पंडारक थाना के मानिकपुर गांव के बूथ संख्या 46 मतदान कर्मी 3 के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन 4:30 के आसपास नित्य क्रिया के दौरान उन्हें परेशानी होने लगी और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इस बात की खबर उप निर्वाचन पदाधिकारी और मृतक के परिवार वालों को दे दी गई है। इसके साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पहली बार सीआरपीएफ ने आईजी पद पर की महिला अधिकारी की नियुक्ति। देश में पहली बार किसी सीआरपीएफ की महिला अधिकारी को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। बता दें कि आईपीएस अधिकारी सीमा ढूंढिया को सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है, तो वहीं एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी बनाया गया है। ये दोनों महिलाएं इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुकी है। ये दोनों महिलाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना की महिला यूनिट की प्रमुख रह चुकी है। वहीं सीआरपीएफ की दूसरी महिला बटालियन का विकास करने में भी इन्होंने
प्रमुख भूमिका निभाई थी। सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहम सीआरपीएफ के पहली बैच 1986 की महिला अधिकारियों में से एक है। 14,000 उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के 14,000 उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इन शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के प्रारंभिक एवं मध्य स्कूलों में की जाएगी। हालांकि अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यह तय कर दिया गया है कि जल्द ही उर्दू शिक्षकों के भर्ती के लिए कैंपेन चलाए जाएंगे। बता दें कि फिलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा इन पदों पर नियुक्ति करने से पहले इस बात का आकलन किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इसके साथ ही उर्दू के रिक्त पदों की मूल्यांकन भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल उर्दू सहित अन्य भाषाओं के लिए पूरे राज्य भर के विद्यालयों में कुल शिक्षकों के 5,771 पद रिक्त हैं। शहरीकरण में झारखंड से भी पीछे है बिहार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरीकरण के आधार पर 4,761 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। बता दें कि यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी इस अनुदान राशि में यूपी को सबसे अधिक रुपए 1,988 करोड़ दिए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड 11.98 करोड़ रुपए के साथ है और तीसरे नंबर पर बिहार है, जिसे केवल 7.35 रुपए अनुदान के रूप में दिए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि बिहार शहरीकरण में झारखंड से भी नीचे है। 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में बांटा है, जिनमें पहला श्रेणी 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय को ए श्रेणी में रखा गया है। इस ए श्रेणी में दिल्ली और श्रीनगर को नहीं जोड़ा गया है। वहीं बी श्रेणी में 10 लाख से कम आबादी वाले निकायों को रखा गया है। वकील ने जज पर तानी पिस्टल। बीते दिन बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेट सिविल कोर्ट से एक खबर सामने आई है, जहां जज ने एक वकील पर यह आरोप लगाया है कि वकील पंकज महंत ने कोर्ट के अंदर उस पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद उस वकील को जज के सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा काबू में किया गया और फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान हालात ऐसा हुआ कि पूरा काउंसलिंग जज साहब के खिलाफ खड़ा हो गया और इस मामले को रफा दफा करने को कहा गया। एक तरफ जहां जज ने वकील पर आरोप लगाए, तो वही वकील का कहना है कि वह जिला जज के पास एडीजे 12 को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जज साहब बेतुका आदेश दे रहे थे और आज फिर उन्हें दूसरे केस में जज साहब बुलाकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। केबीसी की हॉट सीट पर बिहार के सहरसा की अंजलि। बीते दिन बुधवार की रात सहरसा जिला मुख्यालय गौतम नगर गंगाजल निवासी रविंद्र झा फूल के छोटे पुत्र माधवानंद की पत्नी अंजलि कुमारी केबीसी के हॉट सीट पर नजर आई, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए सवालों का बखूबी से जवाब दिया और मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने 50 लाख रुपए जीत भी लिया, लेकिन समय कम होने की वजह से वे केवल 4 सवालों के जवाब ही दे पाए। इस दौरान ही अंजलि ने अमिताभ बच्चन को अपनी एक दर्द भरी कविता भी सौंपी, जिसका पाठ अमिताभ बच्चन ने खुद किया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की भी बात कही। बता दें कि अंजलि पूर्णिया वीवी से राजनीति शास्त्र के स्नातकोत्तर विषय की टॉपर रह चुकी हैं। चिराग को बच्चा कहने पर सियासी बवाल। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने लोजपा के मुखिया और सांसद चिराग पासवान को बच्चा कहने पर और रामविलास पासवान के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहने को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम पद पर रहते हुए किसी के विरुद्ध इस तरह के व्यक्तिगत बयान दे सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। रामविलास के अपमान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वे हर किसी को बच्चा बच्चा कहते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सीएम के तौर पर उन्हें हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सीएम नीतीश ने मुख्य सचिव पर कसा तंज। नीतीश कुमार ने उर्दू अनुवादक व अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव साहब, आपने प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप 2007 से भी यहां रहते हुए यह भूल गए कि राज्य के स्कूलों में उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना भी जरूरी है और हम आपको चीफ सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपको काम देखना होगा और बहाली करनी होगी। आपके बगल में जो दीपक कुमार बैठे हैं, यह भी चीफ सेक्रेटरी थे। हमने इन्हें साफ साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द सभी का बहाली कराया जाए, जो शुरू में नहीं किया जा सका। इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।
प्रकाश झा और देव ज्योति की मुलाकात। बीते दिन बुधवार को गंगाजल फेम फिल्म निदेशक और बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके प्रकाश झा और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के बीच करीब डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई, जिसके बाद देव ज्योति के द्वारा मीडिया को बताया गया कि प्रकाश झा से उनकी पुरानी जान पहचान है और वे जब पटना आए तो हमारी मुलाकात हुई, इसलिए आप हमारी मुलाकात का राजनीतिक अर्थ न निकाले। हालांकि देव ज्योति ने यह भी कहा कि अगर राजनीति से जुड़े दो लोग एक साथ बैठेंगे तो राजनीति की बातें तो जरूर ही होंगी। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड। बीते दिन भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर अपने नाम जीत दर्ज की। इस मैच में भारतीय टीम की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 64 रन की पारी खेली, तो वहीं केएल राहुल ने 50 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी टीम के लिए 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली और महेंद्र सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने सीजन में पिछले 4 मैचों में 164 रन बनाते हुए धोनी को पीछे छोड़ दिया है। धोनी के द्वारा यह रिकॉर्ड 2007 में 154 रन मारकर बनाया गया था, लेकिन अब धोनी दूसरे नंबर पर आ गए हैं और सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव मेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में भारत के लिए नंबर 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। प्रदेश में आज भी पेट्रोल 109.23 रुपए और डीजल 95.88 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कुछ शहरों में तेलों के दामों में कमी आई है। राजधानी पटना में पेट्रोल के भाव में 56 पैसे और डीजल में 52 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। गया में तेल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर एक कम हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में भी 4 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। वहीं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज समेत हाजीपुर और बेतिया में गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, सचिन कुमार, भीम कुमार गुप्ता, बाबूलाल मरांडी, शंकर मुखिया, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशद राजा, सिफोन कुमार, राजकुमार प्रसाद, कविता कुमारी, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार शहरीकरण में झारखंड से पीछे क्यों है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।